चलिए अब खा लें वरना शहजी कुछ नहीं छोड़ेगा। खा लें खा लें। कसम से ना आपको देख के भूख खत्म होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने मेकअप किया है और तू मेकअप कीता है? मेरे सारे बच्चों को मेरा प्यार देना, मैं उनसे दूर हूँ। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, व्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर कुछ पुराने व्यूअर्स भी हैं और सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं तो भाईजान प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। उससे होता यह है कि जैसे ही मैं कोई नया व्लॉग अपलोड करूंगा आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई सब्सक्राइब करने या ना करने की, अब बात कर लेते हैं लाइफ की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अम्मा को हम कल छोड़ के आए थे जड़ा वाले, साथ अपनी खाला लोगों को भी छोड़ के आए थे। भाईजान अम्मा के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, इस चीज़ का तो मुझे पहले भी पता था, लेकिन अभी एक रात ही गुजरी है और आप यकीन करोगे मैं सारी रात नहीं सोया। काम भी करता रहा लेकिन मैं काम करने के बाद सो जाता हूँ, कल नहीं मैं सोया, मुझे नींद नहीं आई। मुझे ऐसी वाइब आ ही नहीं रही थी कि मैं अपने घर में हूँ, क्योंकि घर पे अम्मा नहीं थी, बाबा सो गए, फिर खाला लोगों के बच्चे भी मेरे पास थे, लेकिन स्टिल मुझे घर नहीं लग रहा था यार, अभी तक नहीं लग रहा। और मुझे आंखों में नींद भी नहीं है, सारी रात का जागा हुआ हूँ लेकिन स्टिल मेरी आंखों में नींद नहीं है। चलो खैर, जहाँ अम्मा गई हैं वहाँ अम्मा का जाना भी जरूरी था, काम भी उनका जरूरी था, खाला लोगों का भी जाना जरूरी था। अब खाला लोगों के बच्चे भी अंदर हैं, बाबा भी अंदर है, अवैस भी अंदर है, सबको भूख लगी होगी और सब मेरा ही वेट कर रहे हैं कि रजब भाई कुछ जरा रिलैक्स हो जाए, कुछ जरा फ्रेश हो जाए तो खाना शाना मंगवाएं, क्योंकि पका के देने वाला कोई नहीं है। बाबा पराठा तो बना लेते हैं, बाबा रोटी तो बना लेते हैं, लेकिन वो हमसे खाई नहीं जाती, वो मोटी बहुत होती है। अंदर चलते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं खाना बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, और अम्मा को कॉल भी करते हैं, अम्मा से आपकी बात भी करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी सरकार, मम्मा की याद आ रही है अब? हाँ जी आ रही है ना। अब तक आपको नाश्ता मिल चुका होता है? हाँ जी। आज नहीं मिला। सलमान साहेब भूख लगी है? हाँ बहुत ज्यादा। ये खाला फौजिया का बेटा है और ये इसकी छोटी बहन है, पुत्र है, भूख लगी है? शदीद। आपको भूख लगी है? ये आवाज कहाँ से आ रही? एक चीज आवा थानू, चलाओ नाश्ता करें। भूख नहीं लगी? खाना ठहर के। अच्छा चलो आओ, उठो ना, नाश्ता करें, आओ मेरी जान, मंगवाओ नाश्ता। आज आपको फुल बात पर जिक्र हो मैंने, आओ जल्दी करो। बेगम की याद आ रही है? सही बताओ, याद आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अरे कहते आ रही है यार, आ रही है, मेरा गला अजीब दर्द हो रहा है। यार वो तूत से आने हो, बताओ यार क्या नाश्ता करना है? अरे तूत तो मैं कहना ताक ची रहना है कि खाला करो जान, तैसी बारो नाश्ता करिए है। बिल्कुल ऐसे। क्या खाना बताओ? हलवा पूरी। तूने क्या खाना है? आपने क्या खाना? हलवा पूरी और लस्सी लुस्सी मंगा ले। पापा जी हलवा पूरी खा लोगे? पापा जी चलो शुक्र है पापा ने नान कबाब नहीं कहता। नान कबाब चलो एक काम करो भाई, हलवा पूरी ले आओ, साथ दही ले आओ, लस्सी घर बना लेंगे, ठीक है? नाश्ता मंगवाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं कहीं। घर पे अम्मा नहीं है, घर पे क्या ही व्लॉग बनेगा, हैदर वगैरह को फोन शून करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। आ गया भाई नाश्ता, आ गया बच्चों नाश्ता आ गया। अच्छा नाश्ता सामने रख के ना अम्मा को कॉल करते हैं, ठीक है? अम्मा से कहते हैं कि देख लो हमें कोई नाश्ते की कमी नहीं है, आप नहीं हो तो क्या हमें नाश्ता नहीं मिलेगा, नाश्ता आ गया। वैसे 12:30 हो गए ने, नाश्ता आज भी 8:30 करी था, लेकिन मम्मा मम्मा पापा जी लस्सी बना लो जान उठ के। अम्मा को कॉल करते हैं, और अम्मा ने फोन नहीं उठाना तो हम कॉल करेंगे खाला के नंबर पे, मिनसा की मम्मा के नंबर पे कॉल करेंगे, वो फोन उठा लेंगी और अम्मा से बात करवा देंगे, क्योंकि अम्मा की बहुत गंदी आदत है, अम्मा फोन नहीं उठाती। घर पे भी मैं ही उन्हें कहता हूँ जी फोन आ रहा है, फोन सुन लो, वरना वो नहीं उठाती। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने आपका जो पैगाम है ये वीडियो कॉल के अंदर ले आया हूँ, सारे बच्चे देख लेंगे। और मुझे एक बात बताओ, आपने मेकअप किया है और तू मेकअप कीता है? मम्मा की बहनों ने मेकअप किया हुआ है। मम्मा लिपस्टिक बड़ी प्यारी लग रही है आपको माशाल्लाह।
अच्छा हाँ, मैं कहा आपको बता दूं ना कि अगर आप नहीं हो तो ये नहीं कि हम भूखे मर रहे हैं, नाश्ते मंगवा लिए हमने, ठीक है ना। ये देखो हलवा पूड़ियां चल रही हैं, मौजें हो रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो देखो हाय, इधर लस्सी बन रही है। है पापा जी, दसो जरा, कोई टेंशन नहीं की? नहीं टेंशन नहीं, हो रहा है कहते नहीं टेंशन नहीं गल, टेंशन हैगी मेरी बुढ़ी भी वापस आ लेंगे। पापा कह रहे हैं मैं टेंशन हैगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आ जाओ यार, जल्दी वापस आ जाओ, मां बड़ी याद आ रही है यार। ओके खैर से जाओ, खैर से जाओ, अल्लाह हाफिज, लव यू लव यू लव यू। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजर आए ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तो बहुत शदीद बोर हो रहा हूँ, अम्मा की याद बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि काम मेरे पास कोई नहीं करने को, तो रह रह के अम्मा की याद आ रही है। एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर निकलते हैं, शहजी को और हैदर को पिक कर लेते हैं। मैंने कॉल किया हैदर को, वो यूनिवर्सिटी में है, उसे यूनिवर्सिटी से पिक करना पड़ेगा, और शहजी हमारी तरफ ही आ रहा है। उतनी देर में कपड़े चेंज कर लेता हूँ, शावर ले लेता हूँ, फिर कहीं बाहर निकलते हैं, कुछ जरा हल्ला बुल्ला करके आते हैं, ताकि थोड़ा सा माइंड चेंज हो, वरना मैं तो मम्मा को याद कर करके पागल हो जाऊंगा। आ जा मेरी माँ, वापस आ जा। ओके जी, शावर वगैरह ले लिया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, अब हैदर को और शहजी को पिक करना है। शहजी तो हमारी तरफ ही आ रहा है, हैदर को पिक करना है। भट्ट साहब मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ कुछ खा पी के, ठीक है? चलो जी आइए। क्या ना, वालेकुम सलाम, आज तो लगता है नहा के आए हो भाई। हैं सर, रोज ही आता हूं नहा के, क्या हो गया? अच्छा चलो मान लेते हैं, हैदर को भी कर लेंगे, यूनिवर्सिटी जाना पहले। नहीं वो कह रहा कि मैं घर आ गया तो घर आ गया। चलो जी हैदर को घर से भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आइए, कहाँ से आ रहा है? चलिए मैं भी कहूँ, पता नहीं इतनी गाड़ियाँ, तंबू शंबू लगे हुए, ठीक ठाक चले भाई? चलो चल आए, आ जा। क्या बात है, आज तो सेम सेम दो दो भाइयों का है, रेड और ब्लू, सेम सेम पिंक बार्बी। यार अपना बताओ, आप आज कहाँ से निकल रहे दोपहर में? भाई दोपहर को, अच्छा ये भी एक स्टोरी है, मैं दोपहरों को बाहर नहीं जाता, मतलब दोपहर को बाहर नहीं जाता, दिन में मैं बाहर नहीं निकलता, घर में मसरूफियत होती है, हम लोग रात को ही निकलते हैं, ये भी मेरे साथ ही, ठीक है? रात को ही खाना पीना, रात को ही घूमना फिरना, सारा जो हमारी अपनी एक्टिविटी है ना पर्सनल लाइफ की, वो बाहर को हम रात को ही निकलते हैं। तो आज दोपहर में इसलिए निकल आए, आपको पता है अम्मा घर पे नहीं है, अम्मा नहीं है और मेरी मसरूफियात नहीं है, मैं घर पे बोर हो रहा था, मैंने आपको फोन कर लिया, इसको भी कर लिया, सोए हुए थे सरकार, आप यूनिवर्सिटी में थे, फिर आप घर आ गए। अब बताओ कहाँ जाना, कहीं जाके बैठते हैं तो फिर खींचते हैं, कहीं चलो चलते हैं, आपको लेके जाते हैं, देखते हैं कहीं जाके बैठते हैं यार, चिल करते हैं यार। ये देखो मैंने सुबह देखी थी, मैं देखिए शुरू से लगा रजब अंकल कैसे करते हैं, आए आए आए, ये मैंने देखी है, मुझे टैग की थी उन्होंने, बहुत प्यारा बच्चा। चलो यार आ जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैठ जाओ बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। भूख लगी कि नहीं लगी? लगी यार। तनु भी लगी होनी, भी नहीं मैंने किया भाई। तुम जब मेरे पास आते हो, मेरी बात सुनो, जब मेरे पास आते हो भूखे ही आते हो। आपने मुझे फोन करके उठाया, मैं तो सोया हुआ था। चलो मंगवाओ, ऑर्डर करो, उसको बुलाओ मीटर को। हाँ जी कर दिया ऑर्डर, कर दिया। क्या किया? डील थी उसकी, दो मीडियम पिज्जा, दो पिज्जे तो भाई मीडियम पिज्जे ने, छह छह पीस इन्हें खाने ने, सारे हैदर सारे इसी ने खाने हैं भाई, दो पिज्जे, तीन तीन बंदों के लिए दो पिज्जे, दो स्लाइस खाने यार। मीडियम पिज्जा तो इतना ज्यादा था, कब तक आएगा, कब तक आएगा? 10-15 मिनट तक है। चलो जी दो मीडियम पिज्जे, माशाल्लाह शादी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए, छोटा छोटा सा पिज्जा, ये छोटा है, खुदा का खौफ करो, अपने जिस्म पे तर्स करो थोड़ा सा, मीडियम। चलो बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। आए 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 आए, ये वाला जो है ना फ्लेवर, ये मजेदार है, ये थोड़ा सा डाउन है ना? नहीं ये वो स्पाइसी है, थोड़ा स्पाइसी है, पेरी पेरी। ये क्या हुआ है? व्लॉग बना रही हैं? जी जी मैं रजय भी हूँ, आप व्लॉग बना रही हैं? व्लॉग में चीखें क्यों मार रही हैं? आ जाएं इस तरफ, आ जाएं। मुझे बिलीव क्या हुआ? क्या बनाने जा रहे थे? अच्छा ये परवटे। ठीक है ठीक है।
एग्जैक्टली और ना मैंने कहा यार मैं कुछ खा लेती हूं, पेट सुबह से तब खराब हो और मुझे पता था मैं जा रहा हूं। अच्छा आए बैठे, ये आपके लिए मैसेज पड़ा है, आ जाएं बैठे 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 बैठे। आप व्लॉग कर रही हैं? क्या नाम है आपका? डॉक्टर फंसा। डॉक्टर्स भी व्लॉग करते हैं? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हर बंदा ही कर सकता है, लेकिन डॉक्टर्स की जो बिजी लाइफ शेड्यूल होता है मुश्किल ही होता है ना। बट आई एम नॉट द बोरिंग वन, आई एम द लाइवली वन। नहीं हमें नहीं पता बोरिंग का और लाइवली का, हमारा डॉक्टर से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन ये है कि हो जाएगा शायद। हाँ मे बी। आप खाएं प्लीज, कुछ खा लें। एंड यू आर हैदर राइट? आए आए। और इनका शक्ल ना मुझे ये छोटा सा लग रहा है। सीरियसली वो जो एहसान फरमोश जी वो जो मोमना के 4 करोड़ का लेके भागे, नहीं जो 4 करोड़ लेके भागे ना मोमना का शुजा साहब, ये वही है। अभी ये हमें खाने आया है यहाँ पर, हमारा 2300 रुपए हमारा खा गए अभी, चौथा पीस खा लें, नहीं खाना चले ना खाए। बदतमीज। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा स्पीच किया। अच्छा एक मिनट बात कर लो, क्या कह रहे हो? आपका थैंक यू बहुत ज्यादा। नहीं नो इशू, आप प्लीज कुछ खाएं, कुछ खा लें, प्लीज कुछ खा लें। मतलब मैंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है कि दैट यू हेल्प पीपल अ लॉट। नहीं मैं किसी की हेल्प नहीं करता मैं, हाँ यहाँ से पकड़ के यहाँ पहुँचा देता हूँ, बीच में एक अल्लाह ने मुझे जरिया जरूर बनाया हुआ है। क्या नाम आपके चैनल का? डॉक्टर कंजा असगर। डॉक्टर कंजा असगर, कितनी देर से कर रही है व्लॉगिंग? आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका व्लॉग देखा नहीं आज तक। नहीं कोई 2 महीने हो गए। अच्छा फ्रेशर है। तो उससे पहले आई वाज मेकिंग द मेडिकल वीडियोस, मगर आपको पता है थोड़ी वो ऑफ हो जाती है। जी। तो ये हो जाता है, बट व्लॉगिंग मैं पर्सनली खुद भी बहुत जो है ना लाइक कर रही हूं। अपना नाम बताएं डिस्क्रिप्शन में। डॉक्टर कंजा असगर। ठीक है, डॉक्टर कंजा असगर। कितने सब्सक्राइबर्स अभी आपके? 420 हो गए हैं। अच्छा इतनी प्यारी लड़कियों के भी इतने कम सब्सक्राइबर? मैंने तो सुना था कि लड़कियों को सब्सक्राइबर बड़ी जल्दी मिलते हैं। डॉक्टर कंजा असगर के नाम से इनका चैनल है, जाके ज्यादा सारे सब्सक्राइबर दें। मेरी बोटी फंस गई थी मुंह पर, मैं पता नहीं की हो गया, चीख की थी बज गई। कोई बात नहीं, आपका पेट खराब था? मतलब अभी तो आपके लिए मैं डॉक्टर बन गया ना, आपका पेट खराब था, आप मुझे मिल लिया, आपका पेट ठीक हो गया, ऐसे ही है। चले थैंक्स मी लेटर। और क्या मसरूफियात आपकी? अच्छा ठीक है, आपने बहुत ही एक प्यारा स्वीट गेस्चर दिया, मेरा बोरिंग सा आज का व्लॉग था, आपने उसके अंदर एक जो है ना वो जान डाली है। ठीक है तो व्हाट इफ कि अगर मैं आपको एक प्यारा सा गिफ्ट दे दूं? हाँ मुझे कभी किसी ने गिफ्ट दिया नहीं है। नहीं ये तो झूठ है, वो आप बात छोड़ दें, लेकिन ये बात आप छोड़ दें, चेक कर कि आपको गिफ्ट नहीं मिले। यार नहीं मुझे नहीं मिले वैसे। शहजी को गिफ्ट मिल जाते हैं तो आपको क्यों नहीं मिले? अच्छा अगर मैं आपको एक गिफ्ट दूं तो आप एक्सेप्ट करेंगे? भाई डिपेंड करता है, गिफ्ट की नौयत इस तरह की है कि अगर आपको एक ब्राइडल शूट दे दिया जाए एक ब्रांड की तरफ से डिजाइनर का प्रॉपर, जो कि मैं खुद भी कर रहा हूँ। अच्छा वेरी नाइस। तो आप मेरे ग्रूम बनेंगे? नहीं मैं ग्रूम तो मैं आपका नहीं होऊंगा, इतनी मैं फ्री हूँ, लेकिन ये है कि अगर हैदर बन जाए तो एक्सेप्टेबल है। आए आए भाई, ज़ारा आपको फोन करो, व्हाट्सएप पे करना। नहीं ऑन सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट, 5'9" चल जाएगी मेरी, 5'8" है, बस मुझसे हाइट का होता है कि मतलब जो हाइट है ना वो मेरे बराबर। अच्छा मेरी बात सुने, तो मैं आपको रेफर कर देता हूँ। चलें अगर आप मेरे पास आई हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से पकड़ के किसी जरूरतमंद तक पहुँचा देता हूँ जो उसका हकदार होता है, और यही सबसे बड़ी बात होती है। आपको पता है थैंक यू सो मच। नहीं करते, अगर किसी को कोई चीज़ आती है वो आपको नहीं बताता वो चीज़ कि कहीं उसका फायदा ना हो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी बात सुने, दूसरी फीमेल मॉडल चाहिए थी आपको, रिमेम्बर? जी मैं वर्किंग कर रही हूँ, अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुई। अच्छा आप ना करें वर्किंग, एक लड़की मैंने देखी है, हाइटेड है, स्लिम स्मार्ट है, तो आई थिंक वो हैदर के साथ सूटेबल रहेंगे, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप उन्हें डन कर लें। ठीक है आप मुझे प्रोफाइल शेयर कर दें, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आपको सही लग रही है तो मेरा ख्याल है ठीक होगी, अगर हैदर
आपको सही लग रही है, बाकी कर देंगे उसको ठीक शेक मेकअप में। मैं आपको नहीं नहीं मेरा ख्याल है कि ठीक है, मेकअप शेकअप के बगैर भी ठीक है, डॉक्टर है। मैं आपको प्रोफाइल उनकी शेयर कर देता हूँ, हैदर साथ ही है, मैंने उनको देखा है, आई थिंक शी इज़ परफेक्ट फॉर डैट शूट। बाकी फिर भी आपकी जो परमिशन है वो ज़रूरी है। मैं उन्हें आपका नंबर दे देता हूँ, वो आपको कॉल कर लेंगी, एक दिन पहले उनके साइज वगैरह डिजाइन से दिलवा लीजिएगा, ठीक है? सिर्फ मुझे साइज कंफर्म कर दे, बहुत मेजरमेंट्स कितनी चाहिए लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दे स्मॉल है कि मीडियम है। मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, लेके आप उसे डायरेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट कर ले, ठीक है? डन है, अभी आप किसी और लड़की को मत देखें। नहीं नहीं आप इसे वर्किंग मत करें, मैं इन्हें डन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके यार देखो मुझे कुछ ये देखो सिर्फ अल्लाह ताला ने सारी चीजें लिखी होती है, आपको पता है? बेशक ऐसे ही है। अभी ये मेरी ये मेरी आपी ये मेरी आपी बनी हुई है, ठीक है? और मैं बेसिकली इनको भी हेल्प ही कर रहा हूँ। अच्छा, वो इस तरह से कि मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा, मेरी प्रोफाइल पे आज तक किसी लड़की के साथ शूट नहीं है। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एवर वो जो होता ना लड़का लड़की के दूल्हे वाले कपड़े पहन के शूट होता है, जो किसी स्टूडियो या किसी सलोन के लिए। आपने भी नहीं किया? चले बस इनका भी फर्स्ट है और आपका भी फर्स्ट ही होगा। नहीं बस मेरी एक ही डिमांड थी उनसे कि फोटोग्राफर अच्छा होना चाहिए, फोटोग्राफर उन्होंने मेरी मर्जी का किया और फर्स्ट को शूट है 1st of November, ठीक है? आपको मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर देता हूँ उनका, आप उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें। आई थिंक के फर्स्ट मीटिंग पे मेरे से इतना गिफ्ट काफ़ी है। हैप्पी और ये है कि मेरे साथ भी कोलैब हो जाएगा, मैं भी टैग वगैरह कर दूंगा आपका, आप इंस्टा पे शायद जो है थैंक यू सो मच। चलिए अब खा लें वरना शायद ही कुछ नहीं छोड़ेगा, भूख तो लगी है ना आपको, खा लें कसम से ना आपको देख के भूख खत्म हो गई। झूठ बोल रहा है। अच्छा चलें खा लें, चलें फिर छोड़ दे कोई बात नहीं, शायद खा लें ना, खाया खा लें ये नहीं छोड़ेगा, बिस्मिल्लाह करें। चलें भाई चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, वेरी नाइस मीटिंग यू, गॉड ब्लेस यू। बाकी आपके जो चैनल का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अच्छा लगेगा अगर हमारी वजह से कुछ आपको फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्टर जो हैं वो बहुत अजीज़ हैं हमें, अल्लाह मियाँ के बाद अगर कोई जान बचाता तो वो डॉक्टर्स ही हैं, अगर आप वाकई डॉक्टर हैं तो। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो यार चलो यार ये क्या चीज़ थी यार, क्या एनर्जी लेवल था लड़की का, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब डॉक्टर होने के साथ साथ फिर भी इतना कैमरा कॉन्फिडेंस होना, मतलब सारी गल ठीक है, जो कोल आके बैठे मैं ये है कि पिज्जा ना सारा खा गया। इसकी नजर अपने पिज्जे पे ही थी, टोटल ये 6 पीसेस पहले खा चुका था, आखिरी 2 पीसेस बड़े बचे और इसको टेंशन लगे कि मेरा पिज्जा ना कहीं खा जाए। नहीं नहीं पिज्जे हर मंडे ट्यूसडे को ये अपनी डाइट की माध्यम करके फिर कहता है कि नेक्स्ट मंडे से डाइट स्टार्ट। सर ये मंडे जो आ रहा है वो साथ ही हमारा स्टार्ट है भाई, मेरी डाइट पहले ठीक है, आप अपनी का ख्याल करें। अच्छा मैंने उनको जो शाउट आउट दे दिया आउट ऑफ नोवेयर, वो बस इसलिए कि वो एक डॉक्टर भी है फिर भी अपने पैशन को भी साथ लेके चल रही है। चले अगर मेरी वजह से कुछ सब्सक्राइबर चले जाएंगे या उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 2 महीने में उनके सिर्फ 400-500 सब्सक्राइबर हैं। हाँ तो वो मैंने सिर्फ इसलिए शाउट आउट दिया कि उनका कुछ भला हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हैदर को भी अब पता लगा है कि हैदर भी शूट कर रहा है। मेरी प्रोफाइल पे आज तक कोई मैंने ग्रूम ब्राइडल वाला शूट नहीं किया हुआ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने आप सबको अभी बता दिया, बताना नहीं था वैसे अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता लग गया उस वीडियो के अंदर, ठीक है? वो मैंने आपको सरप्राइज ही देना था एक दफा ही कि कैसा लगता हूँ मैं दूल्हा बनने से पहले नकली दूल्हा बना हुआ, हैदर भी मेरे साथ कर रहा है। अब वो जो लड़की है जिनको मैंने शूट करके देना है, जिनके स्टूडियो को मैं शूट कर रहा हूँ और जो डिजाइनर है, उन्होंने पहले मुझे 2-3 बार अप्रोच किया लेकिन हमारा कुछ बजट नहीं बना, ठीक है? तो अब मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी आप छोड़े बजट मैं कर दूंगा, क्योंकि वो भी इसी तरह सेल्फ मेड है, तो उनको 2 लड़के चाहिए थे। मैं कहा जी मैं किसी और के साथ कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, हैदर मेरा भाई है इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, आप हैदर को रखें। उन्होंने कहा जी डन है, हैदर माशाल्लाह बहुत प्यारा। अब हैदर के लिए वो फीमेल मॉडल ढूंढ रही थी, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, भाई आप भी कर सकते थे लेकिन आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, ठीक है? उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि लड़की आपकी नजर में कोई है, मैं कहीं नहीं मेरी जिंदगी की लड़की कोई नहीं आई थी नजर चाहिए भाई। खैर तो ये मेरे सामने आई, स्लिम स्मार्ट थी, मैंने कहा चलो ठीक है अगर भला हो सकता है तो भला कर देते हैं भाई, भला भी कर दिया, गिफ्ट भी दे दिया, एंड शी वाज हैप्पी। तो आप जाएं उनको सब्सक्राइब कर लें, उनकी जो अप्रिशिएट करना बनता है, जो भी मेहनत करता है चाहे डॉक्टर है चाहे कोई और है, अप्रिसिएशन बनती है। और अब अंधेरा हो गया, हमारे 3-4 घंटे निकल गए, थोड़ी सी बोरियत कम हो गई, अम्मा की याद फिर भी आ रही है। अब निकलते हैं, घर जाते हैं, घर जाके व्लॉग एंड करते हैं। ओके यार अल्लाह हाफिज़। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़। बाय बाय। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। आधे घंटे तक आता हूँ मैं जिम, ठीक है? ओके बाय। चलो जी
हेलो भट साहिब, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। ਲੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਸਾਹ, ਸ਼ਾਦੀ ਥਾ ਤੋ ਟਾਈਮ ਕਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਹੋ ਯਾਰ? ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਕੇਲਾ ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੂੰ। ਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਚਲੇ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਕੇ ਲਾਉਂ ਆਪਕੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਜੋ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਖਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਯਾਰ, ਨਾਨ ਕਬਾਬ ਖਾਣਾ। ਨਾਨ ਕਬਾਬ ਆਜੋ ਆਪਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਆਏ ਸੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਸ਼ਿਟ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਅਮਰੇਲੀ ਸੌਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਬ ਅੰਮਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਵਲੌਗ ਕੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਆਜ ਕੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਉਸਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਜੋ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਸਕੀ ਜ਼ਰਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਉਨਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਏ ਕਿ ਅੰਮਾ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ, ਮੁਝਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਏ ਵਲੌਗ ਕੇ ਸਾਥ। ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। Yeah.